in which there are rods in which contain beads. Abacus सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो आज से तकरीबन 2000 साल पहले बनाया गया था. और ये किस चीज़ से बना था? इसका जो फ्रेम था वो उड से बना था और उसके ऊपर रॉड लगे थे और रॉड के ऊपर बीड्स लगे थे. मतलब इसका जो फ्रेम था वो उड से बना था, उसके ऊपर रॉड्स थे और रॉड्स के ऊपर बीड्स थे. एबेकस के ऊपर एक क्रॉस बार था. देयर इज ऑल्सो कंटेन अ क्रॉस बार विच इज फिक्स्ड इन अ वे दैट डिवाइड द बीड्स इनटू टू सेक्शन. इसके ऊपर एक क्रॉस बार लगा था और क्रॉस बार ने क्या किया था? क्रॉस बार ने इन बीड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया था, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन. द अपर सेक्शन ऑफ द एबेकस हैज टू बीड्स वाइल द लोअर पोर्शन हैज फाइव बीड्स. These beads can be moved toward or away from the bar while doing calculation. यह आपको नज़र आ रहा है. मैंने इसके पहले भी आपको एबेकस के बारे में बता दिया कि इसका जो फ्रेम है ये सारा फ्रेम ओट से बना था. इसके दरमियान में एक क्रॉस बार था, यही वो क्रॉस बार है, आपको नज़र आ रहा होगा, यही वो क्रॉस बार थे. और इस क्रॉस बार ने इन बीड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया था, ये वाला अपर पोर्शन, ये वाला लोअर पोर्शन. अपर पोर्शन में आपको नज़र आ रहे कि अपर पोर्शन में दो बीड्स हैं, लोअर पोर्शन में फाइव बीड्स हैं. तो ये देख लें, ये क्रॉस बार है, इस क्रॉस बार ने बीड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया है. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास अपर पोर्शन है और ये वाला हमारे पास लोअर पोर्शन है. द अपर पोर्शन कंटेन टू बीड्स एंड द लोअर पोर्शन कंटेन फाइव बीड्स. होप यू मे हैव अंडरस्टैंड. नाउ वी विल गो ऑन. द सेकंड डिवाइस दैट वाज मेड फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन वाज पास्कलाइन. पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन Blaise Pascal in the year 1642. It means, who developed it? Blaise Pascal. When it was developed? In 1642. Why it is called Pascaline? Because it was developed by Pascaline. That is why it was given the name Pascaline. You can say in other words that it is called Pascaline because of its inventor. द मशीन हैड व्हील्स एंड गियर्स इन इट. दोनों का मतलब एबेकस और पास्कलाइन में फ़र्क ये था कि उसमें कोडन फ्रेम था जिसके ऊपर रॉड्स और बीड्स लगे थे, जबकि पास्कलाइन में उसके मुकाबले में व्हील्स एंड गियर्स थे. दोबारा बताना चाहूँगा, पास्कलाइन को किसने डिवेलप किया था? फ्रेंच मैथमेटिशियन ने. उसका नाम क्या था? ब्लेस पास्कल. कब बनाया गया था? 1642 में. इसको पास्कलाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस बंदे ने इसको डेवलप किया था उसका नाम पास्कलाइन था, इसी वजह से ये पास्कलाइन के नाम से मंसूब किया गया. दिस मशीन हिट व्हील्स एंड गियर्स. अब इसका मकसद क्या था? ये क्या क्या कर सकता था? इट कुड डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मतलब पास्कलाइन का काम क्या था? दो फंक्शन थे. कौन से दो फंक्शन? पास्कलाइन कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. लेकिन किस तरह? बाय रोटेटिंग द व्हील्स प्रेजेंट एट इट. स्टार्ट में मैंने बता दिया कि पास्कलाइन पर क्या लगे थे, उसमें गियर्स थे और दूसरा क्या था? उसमें व्हील्स थे. अब ये कैलकुलेशन किस तरह, कौन कौन से कैलकुलेशन करते थे? पास्कलाइन कुड परफॉर्म टू काइंड ऑफ कैलकुलेशन. द फर्स्ट वॉज एडिशन एंड द सेकेंड वन वॉज सब्ट्रैक्शन. किस तरीके से कर सकता था? बाय रोटेटिंग द व्हील्स. दैट व्हील्स वर प्रेजेंट ऑन द पास्कलाइन मशीन. इट कुड ऑल्सो परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन बाय रिपीटेड एडिशन एंड डिविजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ये मल्टीप्लीकेशन कैसे करता था? बाय रिपीटेड एडिशन. फॉर एग्जाम्पल, टू प्लस
2 + 2 is equal to 6. अब यही ये किस तरह काम करता था, 3 × 2 is equal to 6. अब यही वाला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला काम ये कैसे करता था, बाय दिस रिपीटेड एडिशन, एंड डिवीजन कैसे करता था, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करता था, बाय रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जांपल 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करता था, एडिंग 2 3 टाइम, एडिंग दिस टू 3 टाइम इज इक्वल टू 6। नाउ दिस इज द पिक्चर और इमेज ऑफ पास्कलाइन मशीन। होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप आसानी के साथ पूछ सकते हैं। थैंक यू।